लद्दाख टूर के 20वें दिन आज मैं और मम्मी बढ़ेंगे चुशुल से हानले की तरफ। इस टूर के सारे वीडियो ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। गड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लद्दाख में एक और खूबसूरत सी सुबह हो गई है। हम लोग कहाँ खड़े हैं मम्मी, नाम बताओ जगह का। चुशुल त्रिशूल नहीं, चुशुल। अरे ठीक है, इसको त्रिशूल त्रिशूल बोल रही है। तो हम लोग खड़े हुए हैं चुशुल में, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। आज का हमारा टारगेट क्या है मम्मी? हानले यहाँ से करीब 115 किलोमीटर दूर है। बीच में एक बढ़िया रिजांगला वॉर मेमोरियल है, उसे भी देखना है। निकलते निकलते 9:30 बज गए हैं। रंगदुम को यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट में डाल दिया है। बड़े मम्मी अब आगे? हाँ, क्योंकि लेट हो गए और अपने को हानले थोड़ा सा उजाले में ही पहुँचना है। हानले में जब हम घुसते हैं, एक ही बार गए हैं, हवा वहाँ इतनी तेज चलती है, हवा इतनी तेज चलती है कि लगता है कि अपने को चीर के निकल जाएगी। तो इसीलिए हानले हम लोग दोपहर में, धूप में, बड़ी दोपहरी में पहुँचना चाहते हैं। बड़े मम्मी आगे, लेट्स मूव। कल रात को तो हमारी नींद बहुत एकदम बढ़िया हुई। रात को अगर खाना ना खाओ ना तो बहुत शांति से नींद होती है। दोपहर में दाल रोटी अपनी बना के खा ली थी, रात को गए वहाँ पे, हमने कहा कि भैया आदिका स्कूल जा रहे हैं, हमने कहा कि भैया हमको कोई खाना वाना नहीं चाहिए, मस्त सोए 12 घंटे एकदम चैन से उठे। नहीं तो खाने का वेट करना पड़ता है, 7 बजे खाना मिलेगा। मैं तो शायद 6:30 बजे सो गई। रिजांगला रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज। आज आई थिंक पहला या दूसरा दिन है जब हम बिना नहाए निकले। शाबाश मम्मी, पहला दिन ऐसा है। यहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम है, गीजर रहता नहीं है, गर्म पानी भी लाते जल्दी से ठंडा हो जाता है। हमने कहा भैया आराम उठे और निकले, तो भी निकलते निकलते मम्मी ने 10 बजे आ दिया। आजकल मैंने वो रूल अपना लिया है ना, इसलिए लेट होते हैं। तुम उठते हो तो मैं उठती हूँ। तुम मेरे को बहुत सारी चीजें सिखा दे रहे हो बुढ़ापे में आके। ये है चुशुल का पुलिस चेक पोस्ट। चलो भाई, इतने सारे प्रिंट आउट निकाले थे, कुछ काम तो आए, तो मेरे को लग रहा था कि कोई मांग ही नहीं रहा। जो ये जो हम परमिट बोलते हैं, ये परमिट नहीं है, ये एक तरीके की एनवायरमेंटल फीस है। ये यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन के लिए फीस लेते हैं। चुशुल में तो हर घर पे झंडा तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ लिखा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सक्षम 47। ये जो आपको नदी नालों में पानी बहता हुआ दिख रहा है, कुछ दिन में ये पूरा फ्रीज हो जाएगा। जितना पुराना जितना डीलर रहता है ना, उतनी ज्यादा आवाज आती है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इस गांव से निकल रहे थे, यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि 1962 में जो इंडिया चाइना के बीच जो वॉर हुआ था, चुशुल के आसपास कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, उसी की याद में यहाँ पे जो हमारे सिपाही शहीद हुए थे उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, डेडिकेटेड टू द ब्रेव हार्ट्स ऑफ 1/8 GR एंड 13 FD रेजिमेंट हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन चुशुल सेक्टर ड्यूरिंग द 1962 सीनो इंडिया वॉर। तो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जो रोड पूरा बन रहा है पैंगोंग से लेके हानले तक, चुशुल तक ही अभी ब्लैक टॉप हुआ है। आई थिंक ये ब्लैक टॉप होने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ी आगे धूल भरी सड़कें ही मिलने वाली हैं। दूसरे तरफ से इनोवा वाले भाई साहब पूरी धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। तो आप धूल को पकड़ सकते हैं क्या? धूल तुम भी पीछे उड़ा रहे हो? मैं उड़ा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक्स फॉर द इन्फो। आर्मी के ट्रक्स यहाँ दिख जाते हैं तो वहाँ सुनापन खत्म हो जाता है, अपन सुरक्षित महसूस होने लगते हैं। ये यहाँ पे आके यही दिक्कत होती है, ट्रेल्स इतनी सारी होती है ना। ये जो एरिया है लेफ्ट साइड पूरा आर्मी एरिया है, आर्मी के बंकर, आर्मी के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स लेफ्ट राइट पूरी तरफ भरे हुए हैं। बहुत हैवी आर्मी का प्रेजेंस है। यहाँ पे BRO वाले भाई साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि नीचे उतारो। चलो अच्छा है, कम से कम कोई बताने के लिए तो था। वहाँ तक डाल के फिर वापस आते हैं, लेकिन इस बार और सॉर्टेड लग रहा है। पिछली बार तो जब हम लोग आए थे वो ट्रेल्स में एकदम दिमाग ऐसा हो जाता था, समझ में नहीं आता था आर्मी का बनाया हुआ रास्ता है या सिविलियन रास्ता है।
सामने लगा है रिजांगला मेमोरियल का बोर्ड, सामने हमारा तिरंगा लहरा रहा है बिल्कुल बुलंदी के साथ। यहाँ पे उधर ऊपर आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, एक ब्लैक टॉप जो दिख रहा है वही है रिजांगला। 1962 में यहीं पे चाइनीज आर्मी ने अटैक किया था और यहाँ पे हमारे करीब 120 जवान तैनात थे और उन जवानों में से 114 हमारे जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। और यहाँ पे जो आहिर दाम बनाया गया है और यहीं पे लाके इन सभी शहीद जवानों का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पे एक गैलरी बनाई गई है, प्लस यहाँ पे एक फिल्म चला के आपको 1962 वॉर के पूरे डिटेल्स दिए जाते हैं। आप कहाँ से? मैं तो कलकत्ता से हूँ। अच्छा, आपका अच्छा। बहुत सारे वीडियोस देखा है और मैं देखता हूँ आंटी जी को भी देखता हूँ, आप लोगों का जो बातें चलता रहता है। गाड़ी घुमाने देखो, मैं गाड़ी बस ला रहे तो रंग दूँ आ गया। फ्रूट्स फ्रूट्स काट के दे रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में गाजर आजर भी लोगों ने दे दी तो और ज्यादा फ्रूट्स है। अच्छा, आप अलग 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 गाड़ी में आए क्या? हाँ, ऐसे थे तो हम बीच बीच में सब एक एक करके वापस चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आज जाएंगे हनले। अच्छा, फिर रोमिंगला डेम चौक वापस। ठीक है, फोर्थ ट्रिप है कि थर्ड ट्रिप है? ये लद्दाख का है तो अपना फोर्थ ट्रिप है। तो वॉर मेमोरियल तो देख लिया, यहाँ पे इनके कैफे में मिल रहे थे समोसे, तो मम्मी हम ले आए गर्मा गर्म समोसे। तेरा पेट खराब हो रहा है तो भी तुझे समोसे खाने के लिए खा? कल मैंने एकदम शुद्ध खाना खाया, घर की दाल रोटी खाई तो भी मेरा पेट खराब हो गया, इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी समोसे खा के पेट ठीक हो गया। पकड़ पकड़ पकड़ो। यहाँ पे आके हमें वेस्ट बंगाल से हमारे दो सब्सक्राइबर भी मिल गए। उनको सब पता है कि हम क्या क्या केला और ये सब खाते हैं। छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग्स इन रास्तों में बीच में आती हैं, लेकिन अब उनमें पानी लगभग लगभग सूख चुका है। सीजन का एंड है, ठंड हो रही है, ठंड बढ़ रही है, अब ज़्यादा पानी हमें रास्ते में नहीं मिलेगा, अब मिलेगी तो सिर्फ धूल ही धूल। देखा मैंने बोला, और एक और बड़ी क्रॉसिंग आ गई। समोसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए बोल के समोसा मम्मी ने भी खाया। कितना खाया? खाया ना आधा आधा। हाँ। अरे काजू खिलाओ यार, काजू खिलाने में बहुत मूड है। ये दिख गए हमें फाइनली यहाँ के। पिछली बार नाम बताया था इन लोगों ने, क्या था इनका नाम? मैं तो बाहर जाके देख के आऊंगा। हेलो, फुल स्पीड में दौड़ लगा रहे हैं। मेरे को किसी ने इसका नाम, इनका नाम बताया था, ये है लद्दाखी कियांग। तो मेरे को ही देख रहे हैं, अच्छे स्मार्ट दिख रहे हैं देखने में, लेकिन भाग रहे हैं डर के मारे तेरे जैसे। रास्ता ये वाला हालांकि ठीक है, लेकिन ऐसे पूरी धूल मिट्टी वाला रास्ता है तो रंगदुम की हालत, तो यहाँ मैंने गोप्रो लगाया था तो इसकी हालत देखिए, इतनी धूल इस पे चढ़ जाती है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हमारे इस टूर के अगले हाई ऑल्टीट्यूड पास पे। मम्मी एकदम फोटोग्राफी मूड पे एकदम रेडी है। भाई कितनी ऊंचाई पे आ गए अपन? 15,260। दोपहर के बज रहे हैं 12, सूर्य देवता बिल्कुल तपा रहे हैं। इस तरफ यहाँ पे आर्मी एरिया है पूरा। ये जो ऑफ रोडिंग वाला पैच है ये आगे आई थिंक 40 किलोमीटर तक और रहेगा, उसके बाद हमें मक्खन सड़कें मिलने वाली हैं। आज तो मम्मी खाने का कैसे करेंगे यार, आज तो मेरे को लग रहा है रास्ते में। कर लो। नहीं, मेरे को कोई उपास उपास करने का शौक नहीं, आप करो, मेरे को कुछ खाना है। एप्पल एप्पल है मेरे पास। फिर वही बात, मेरे को चाहिए रोटी, मटर पनीर, दाल तड़का और जीरा राइस। टॉफी वॉफी खिलाओ यार मम्मी। सुबह कह रहा था कि आज कुछ नहीं खाऊंगा। सुबह कह रहा था कि आज कुछ नहीं। सुबह गई बात गई। गिव मी सम टॉफी टॉफी टॉफी। रुक जा। देखो जल्दी, मैं जल्दी जल्दी ना। देखो ना कितनी देर। कैसे हो काले? ये आ गई एक और वाटर क्रॉसिंग। ये इस रोड में हमेशा एक सूनापन होता था, एकदम सूना सूना, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि दो शहरों के बीच की रोड हो गई है। अभी पीछे ITBP का चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे परमिशन वर्मिशन पूरी आपकी चेक की जाती है, एंट्री की जाती है। तो वो जो भाई साहब वहाँ पे एंट्री कर रहे थे वो हमारे छत्तीसगढ़ से ही थे, छत्तीसगढ़ से कांकेर से। गाड़ी का नंबर देख के उनने पहचान लिया। हमको बोल रहे थे कि चाय पी लो, जूस पी लो, कुछ पी के जाओ, लेकिन हम लेट हो रहे थे तो हमने कहा नहीं, जल्दी निकलना। यहाँ पे सामने एक सेक्शन है
जहाँ पे रेत हवा बहुत तेज है उड़ के पूरे रोड पे आ गई है। हमें यहाँ पे बहुत तेजी से निकालना पड़ेगा, गाड़ी रोकनी नहीं है कहीं, काफी रेत है रोड पे। चले वीर तुम बड़े चलो, एक बार में पहुंच जाओ पार। बस बस हाँ निकल गए। तो यहाँ पे इनको ये ऐसे, अरे वो बार बार उड़ के ना इनकी धूल इस पे आ जाती है। मुझे अच्छे से याद है पिछली बार अपन बीच से गए थे, क्रेन काम कर रही थी। अरे मर गए, यहाँ भी मिट्टी है। ये कुछ ट्रेन ऐसा है कि वो मिट्टी उड़ के यहाँ रोड पे आती है। और है यार तो पूरी रोड ढकी हुई है मिट्टी से। तेज तेज निकाल तेज निकल गई। अभी मत कर निकल गई निकल गई, मैं बोलती हूँ तो गुस्सा होता है। निकल गई काय के लिए निकल गई, अभी चुप रह। सामने आर्मी के दो ट्रक्स चल रहे हैं, उनमें से एक ट्रक एक बड़ी क्रेन को लोड करके ले जा रहा है। इस वजह से पिछले 15 मिनट से हम इनके पीछे जूझ रहे हैं, गति धीमी हो गई है। सामने एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सीन है। लेफ्ट साइड में एक छोटा सा वाटर रिजर्वायर है और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा ब्रिज दिख रहा है। वही ब्रिज क्रॉस करके हम हानले की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है जहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ती है। मेरे को लग रहा है कि उस ब्रिज पे कोई ट्रक फंस गया है। वो देखो वो ट्रक दिख रहा है, दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि एंट्री तो अपन ने कर दी है, वो पुल पे एक्चुअली कोई ट्रक फंसा नहीं है, उसको ठीक कर रहे हैं वो हाइड बीआरओ के लोग। तब तक अपन को करना पड़ेगा थोड़ा टाइम पास। कहाँ चले हमें टाइम पास करने? यहाँ पे कैफे लामा दिख रहा है। ये? समोसा। कितने समोसे खाएगा? जितने मिलेंगे उतने। तो एक घंटा हम लोग डिले हो गए, एक घंटा वेट करना पड़ा। लेकिन इस पुल पे ऐसा बोल रहे थे कि गाड़ियाँ फंस रही थी। आई थिंक अब सब एकदम राइट हो गया है। बाजू में इसके एक नया पुल बन रहा है, पिछले साल भी बन रहा था, टाइम लगेगा उसमें। अब ब्लैकटॉप रोड्स हैं, अब सीधा हमें उड़ते हुए पहुंचना है। कहाँ मम्मी? हाँ ले। जगह बदलती है और साथ में लैंडस्केप और शानदार होता चला जाता है। पहाड़ वही हैं लेकिन रंग अलग अलग, बैकग्राउंड में जो कलर दिखता है वो अलग, सब कुछ अलग। तो यहाँ जो हानले के आसपास के जो पहाड़ हैं इनकी खूबसूरती कुछ अलग किस्म की है। यहाँ पे पहाड़ काले रंग के ज्यादा हो गए, सड़क भी बहुत खूबसूरत हो गई है। और मुझे लगता है कि ये सड़क, उधर तो पहाड़ होते थे, इधर तो मैदान ही है, तो इसको सीधा क्यों नहीं बना देते, इसको ऐसा ऐसा क्यों बनाते? ये जो रोड है इसमें कुछ बिल्कुल फिसल पट्टी ऐसी फीलिंग आती है, कुछ जगह तो एकदम अचानक से नीचे ऊपर होता है, पेट में गुदगुदी होती है। 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग यही चाह रहे थे कि धूप में हम लोग पहुंच जाएं। बाकी हवा बाय गॉड, मतलब आप अंदाजा, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज है यहाँ पे। हानले की हवा इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हाल फिलहाल फटाफट अपने होटल रूम पहुँचते हैं और कल के दिन की तैयारी करते हैं। यहाँ एकदम गर्म है, वो धूप भी लग रही है ना, इसलिए गर्म। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। रास्ते में इतना गर्म था कि सब उतारा मैंने। अच्छा अभी फिर नुकसान ना हो। हाँ अभी बहुत ठंड है। तो होम स्टे हमें फाइनली मिल गया। यहाँ रंगदुम पार्क है और ये है कलसांग होम स्टे नगा। हानले अपनी तेज़ हवा के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। अभी तो फिर भी धूप निकली हुई है, अगर आप 6:30 बजे यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा कि लिटरली ये ठंडी हवा आपको काट रही है, ये हवा इतनी तेज़ चलती है। तो ये इनका घर है, ये भी इनका घर है, एक तो ये इनका मेन घर है। यहाँ पे तो हमको रूम नहीं मिला है लेकिन पीछे इनने दो रूम्स बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे हमको एक रूम मिल गया है। आज ऐसा लग रहा था कि मम्मी को थोड़ा सा हीटर वीटर मिल जाए तो बढ़िया रहे, तो ये हमें एक रूम मिला है विद अटैच टॉयलेट, इसमें हीटर है। हालांकि रात को 7 से सुबह 11 तक ही लाइट रहती है तो बस तभी तक ये हीटर काम करेगा, बट उतना अपने लिए सभी होमस्टेज मैंने 2-4 और देखे थे, बट यही एक अकेला होमस्टे था जिसने बोला कि मैं अभी खाना बना के दे दूँगा। 4:30 बज रहा है, अभी कोई नहीं खाना बनाता, सब रात को ही बनाते हैं। हमने कहा हमें अभी बना के दे दो,
वो रेडी हो गए। तो ये है इनका डाइनिंग हॉल जहाँ हमें खाना मिलेगा। मैंने आपको रात को 7 से सवेरे 11 बोल दिया। लाइट यहाँ पे रात को 7 से रात को 11 तक 4 घंटे रहती है, उतनी देर मम्मी हीटर चल पाएगा। बहुत नीट एंड क्लीन डाइनिंग रूम है, ऐसे नीट एंड क्लीन एंड स्वीट सा रूम है। तो बस मैंने कहा इसके आगे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका घर और कहीं है? नीचे है। अच्छा, ये यही है केवल गेस्ट हाउस? तो ये हमारा गर्मा गर्म खाना आ गया है, गोभी की सब्जी, रोटी, चावल और ये है दाल। तो मम्मी, जैसे आप चाहती थी सूर्यास्त से पहले आप खाना खा सको, खा रही हो? तो सूरज डूबने के पहले खाना खा के और मैं रूम में जाके चेंज वेंज करके और सो जाना चाहती हूँ, जिससे कि 7 बजे जब हीटर का यूज़ कर लूँ मैं और 11 बजे तक टन्ना टन गर्म हो जाऊँ। गोभी ले से लाते? नहीं, हमारे है ऑर्गेनिक। अच्छा, तो खाने के बाद शाम हो गई है, अपने रूम में सेटल हो गए हैं। 7 बजे लाइट आई है यहाँ पे, बढ़िया। हमने अपना हीटर चालू कर लिया है। एक बहुत बड़ा टास्क होता है ठंड के टाइम में शेव बनाना। कल उमिंगला पे फोटोग्राफी करनी है तो शेव तो बनाना ही था, तो बड़े मुश्किल से शेव किया है। और माता जी कहाँ है? खाने के बाद मैं रजाई में घुस गई हूँ, लेकिन अभी तक गर्म नहीं हुई। हाल में बहुत ठंड है, हाल में बड़ा ठंडा है। एक रजाई नीचे बिछाई है, फिर उसके ऊपर भी 2 कंबल हैं, लेकिन अभी भी गर्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे मेरा डिवाइसेस में डाटा ट्रांसफ़र वगैरह चल रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ लाइट आती है, तो इसी बीच अपने बैटरी पावर बैंक सब चार्ज करना पड़ता है। कल का दिन एक तरीके से हमारे इस टूर का आप आखिरी दिन कह सकते हैं। कल हमें उमिंगला जाना है, उसके बाद डेमचौक गाँव तक जाना है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारे घर की तरफ की जर्नी अभी शुरू होगी। कुछ चीज़ें और देखेंगे रास्ते में, बट कल ऑफिशियली हम जिस चीज़ के लिए लद्दाख आए थे वो पूरा हो जाएगा। तो मम्मी, राम राम करें, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।